अच्छा गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने साइंस का बच्चों क्या किया वैज्ञानिक कारण क्या है बच्चों बच्चों वैज्ञानिक कारण बराबर। चलो आज हम लोग क्वेश्चन में बच्चों पेज नंबर किताब पे 29 पे दिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मैं क्वेश्चन लिख रहा बच्चों यहाँ पर मैं खाली उसके आंसर लिखूंगा बच्चों। ओके, दिए गए परमाणु क्रमांकों के आधार पर नीचे गए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देना बच्चों। तत्वों का परमाणु क्रमांक दिया बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संरूपण चाहिए बच्चों। अब इस आधार पर प्रश्नों का स्पष्टीकरण देते हुए आंसर लिखना बच्चों। कुछ क्वेश्चन पूछा बच्चों, अब पहला क्वेश्चन दिया बच्चों Li3 जो 3 दिया बच्चों, अब देखो मैं आंसर लिखूंगा बच्चों ये अ का पेज नंबर क्वेश्चन चल रहा है पेज नंबर 29 पे मैं आंसर लिख रहा हूं। अब बच्चों 3 Li, फिर बच्चों 14 Si, 2 He, 11 Na, 15 P बच्चों। इसमें तृतीय आवर्त के तत्व बताइए, तृतीय आवर्त के तत्व बताना बच्चों। ठीक है, तो पहला दिया बच्चों 3 Li, फिर दिया बच्चों 14 Si, 14 Si, फिर बच्चों है 2 He, फिर क्या बच्चों 11 Na और फिर 15 P बच्चों। चलो बच्चों इरेजर हूँ, तीन है बच्चों, मैंने आपको लिख के दिया बच्चों प्रथम 10 तत्वों के नाम, तो लिथियम क्या लिथियम बच्चों, तो लिथियम क्या 2 1 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक नंबर बच्चों 2 1 हो जाएगा। ओके, ऐसा है तो सिलिकॉन 14 है बच्चों, पहले में 2, फिर क्या था बच्चों 8, फिर कितना आएगा 4 बच्चों, 2 8 4 राइट, 2 8 10 10 14। एच ई मतलब हीलियम, हीलियम में 2 ही होता है। सोडियम है मतलब सोडियम बच्चों 2 8 1 बच्चों। ओके, और पी फास्फोरस 2 8 10 और फिर 5। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो नंबर दिया बच्चों एक क्रमांक है परमाणु क्रमांक, और मैं बता बच्चों परमाणु क्रमांक कैसे निकालते इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को जोड़ के बच्चों, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 8 थे बच्चों, तो 15 है, तो 15 तो बच्चों पहले में 2 कितना बच्चे 13, फिर दूसरे में 8 8 तो 10 हो गया बच्चों, कितना बच रहा 5 बच रहा 5 15 राइट, 11 बच्चों पहले में 2 दूसरे में 8 8 तो 10 हो गया बच्चों, कितना बच रहा 1 1 बच्चों बच्चों। इस तरह से पहले इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखो बच्चों, लिख दिया आपने। अब बोला बच्चों कि तृतीय आवर्त के तत्व, तृतीय आवर्त बच्चों तो जिन तत्वों के बच्चों 3 कवच होते हैं, तीसरे 3 कक्षा होते बच्चों वो जाता है तीसरे आवर्त में बच्चों। बच्चों सिलिकॉन के 3 कवच है, सोडियम के 3 कवच है और फास्फोरस के बच्चों। ओके, आंसर कैसे लिखे बच्चों, जिन तत्वों के 3 कवच होते होते हैं वे तृतीय आवर्त में आते हैं। बच्चों पहले काल लेते जिन तत्व के 3 कवच होते हैं बच्चों कौन से आवर्त में आएंगे, बच्चों तीसरे आवर्त में आएंगे, तो कौन से तीसरा है, इस तरह से इसलिए क्या आएगा बच्चों, तो पहला पॉइंट हो गया आपका, और दूसरा पॉइंट बच्चों इसलिए 14 Si से निकाल बच्चों, 11 Na सोडियम का और 15 फास्फोरस का बच्चों, बच्चों ये सभी ये तीनों तत्व ज्यादा बच्चों तीनों तत्व क्या होगा बोलो बोलो, तत्व तृतीय आवर्त में आएंगे। हो गया सर, हो गया, यस बस बच्चों आपको परमाणु क्रमांक का पहले इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना है, और जैसे सवाल पूछा गया बच्चा बच्चों कि तृतीय आवर्त में तो जिन तत्व के 3 कवच होते तो तृतीय आवर्त में आवर्त 3 कवच वाले हो गए। बच्चों द्वितीय आवर्त में बच्चों तो 2 कवच, प्रथम आवर्त में बच्चों तो खाली हीलियम आता था। ओके, चलो ये फर्स्ट
फिर क्या बोला बच्चों, आ वन एच हाइड्रोजन बच्चों, सेवन एन नाइट्रोजन, 20 सी ए कैल्सियम, 16 बच्चों सल्फर दिया है, 4 बी और फिर 18 ए आर आर्गन बच्चों। इनमें से समूह दो के तत्व कौन सा बच्चों, समूह दो का पूछा बच्चों। अच्छा तो पहला मैंने क्या बच्चों तत्व बच्चों और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। चले पहला वन एच है बच्चों, वन एच तो हाइड्रोजन बच्चों एक ही रहेगा खाली, इसका बच्चों सेवन है नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन 2 5 बच्चों 2 5 बच्चों, कैल्शियम है 20 कैल्शियम का दिया बच्चों, पहले में 2 फिर आर फिर आर और फिर 2 बच्चों, 2 8 10 8 2 8 8 भाई का बच्चा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, हाँ इसलिए 8 ही रहेगा पहले। उसके बाद सल्फर का 16 दिया हमको, सल्फर का 16 तो 2 8 10 हो गया हमको और 6। फिर बच्चों बेरिलियम दिया है 4 बी 2 2 4। फिर बच्चों क्या है आर्गन 18, पहले में 2 फिर आर फिर आर है बच्चों, तो क्या आप कहना। अब बच्चों समूह दो में बच्चों, समूह दो के तत्व बताना है। अब समूह का नाम क्या लिखा था बच्चों, बाइकन कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है। तो पहला पॉइंट, जिन तत्वों के परमाणु की बाइकन कक्षा में बोलो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे दूसरे समूह में आते हैं, बच्चों जिस तत्व की प्रमाण की बाह्यतम कक्षा में कवच में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वे कौन से समूह में आएंगे, दूसरे। अब देखो बच्चों कहाँ 2 बच्चों, वो 2 है या 2 है, ये दोनों ज्यादा समूह 2 में आएंगे बच्चों। क्यों बच्चों, जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो समूह दूसरे में आएंगे बच्चों, इसलिए कौन सा बच्चों कैल्शियम तथा कौन सा बेरिलियम, समूह 2 के तत्व हैं बस। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना है और बाद में बच्चों बस छोटे से ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर डालना है। धन्यवाद बच्चों, क्या करें हम लोग पक्का आगे बढ़े बच्चों। हम लोग तीसरा क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है बच्चों, बोरान है और एल्युमिनियम है। इनमें से सर्वाधिक ऋण विद्युत वाला तत्व प्रदान है, सर्वाधिक ऋण विद्युत वाला ई बच्चों तत्व इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। चले पहला बच्चों नाइट्रोजन 2 5, फिर बच्चों कार्बन 2 4, फिर बच्चों ऑक्सीजन 2 6, फिर बच्चों बोरान 2 3, 13 एल्युमिनियम 2 8 3 बच्चों। चिंता अब क्या बोला बच्चों, इनमें सर्वाधिक ऋण विद्युत ऋण वाला तत्व, विद्युत ऋण वाला बच्चों कभी भी आरक में बच्चों जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक ऋण विद्युत वाला होगा बच्चों, जितने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं धन वाले होंगे बच्चों। जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो तत्व विद्युत ऋण वाला होता है बच्चों, जितना कम इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो तत्व क्या होता है बच्चों विद्युत धन वाला होता है बच्चों।
धन आयन और ऋण आयन बच्चों, धातु किसी भी तत्व के बाईतन कक्षा में बच्चों अधिक इलेक्ट्रॉन, अधिक मतलब 7, 6, 5 या अधिक इलेक्ट्रॉन वाले बच्चों, तो 7, 6, 5 में 7 अधिक है बच्चों, इसका तो अधिक ऋण आयन वाले तत्व में बच्चों के। और एकदम कम है बच्चों, 1, 2, 3 अधिक, 1 एकदम कम है, इसका तो अधिक धन वाले बच्चों। इसमें देखो बच्चों सबसे अधिक बाईतन कक्षा कौन सी है, 6 ना, यानी ये बच्चों क्या है, अधिक ऋण वाला है पहला पॉइंट। जिन तत्वों के बाईतन कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वे तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋण वाले तत्व, जिन तत्व के बाहितम कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन, बाहितम कक्षा में, बाहितम कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो तत्व अधिक विद्युत ऋण वाला है। देखो सबसे बाहितम कक्षा 5, 4, 6, 3, 3 बच्चों, सबसे बाहितम कक्षा 6 ना, इसलिए बच्चों ऑक्सीजन सर्वाधिक विद्युत ऋण वाला तत्व। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा विद्युत ऋण होगा बच्चों, जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना अधिक धन आयन वाला होगा, जितना कम होता है बच्चों धन आयन, जितना अधिक होता है ऋण आयन बच्चों। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। तो समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ये गुड, ज्यादा समझ की क्या करें, ज्यादा समझ गए तो वैज्ञानिक बन गए, तो ऐसे वैज्ञानिक लोग पागल होते ना। तो चलो बड़ी क्या बच्चों, बी क्या बच्चों, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरान और एल्युमिनियम, इनमें सर्वाधिक धन विद्युत धन, विद्युत धन वाला तत्व होगा बच्चों, अभी तक विद्युत ऋण वाला बच्चों, अब विद्युत धन वाला बच्चों। बड़ी बच्चों तो बेरिलियम, दो दो फिर क्या बच्चों, 6 कार्बन 2, 4 फिर ऑक्सीजन 8, 2, 6 5 बोरान 2, 3 एल्युमिनियम 13 8, 3 इनमें सर्वाधिक विद्युत धन वाला, विद्युत धन वाला तत्व कौन सा बच्चों बोला है। चलो अब सर्वाधिक विद्युत धन बोला बच्चों, देखो बाईतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, लेकिन बच्चों इसकी 2 ही कक्षा है बच्चों, इनकी 2 कक्षा है, और जो इसके बाग सबके तो 2-2 कक्षा है, इसका 3 कक्षा है। याद रखना बच्चों धन आयन में कक्षाओं का भी बहुत फर्क होता है, तो तीसरा होता है बच्चों क्या पढ़े उन्होंने, जैसे जैसे बच्चों ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं धातु गुणधर्म बढ़ता है बच्चों, पढ़े ना हम लोग अवल सारणी, ऊपर से नीचे आने में धातु गुणधर्म बढ़ता है बच्चों, क्योंकि अब जो बच्चे 2 कक्षा है जब 2 कक्षा है बच्चों इसका दूसरा आवर्तन आएगा बच्चों, और ये तीसरे आवर्तन बच्चों। ओके, तो जैसे जैसे बच्चों आवर्तन बढ़ता है उसके धातु गुणधर्म बढ़ेंगे बच्चों, इसमें 3 आवर्त बच्चे, इसका तो धातु गुणधर्म अधिक है बच्चों। बाईतम कक्षा का नंबर भी मालूम है, ठीक है बच्चों, सब अगर 2-2 होता था अगर मान लो ये हिसाब था बच्चों, तो सबसे कम क्या था बच्चों, 2 होता, इसका धातु गुणधर्म ये था बच्चों, लेकिन विकल्प बच्चे तीसरा आवर्तन आ गया तो आवर्त क्रमांक बढ़ रहा बच्चों,
जब आवर्त क्रमांक बढ़ेगा बच्चों तो धातु प्रथम भी बढ़ेगी बच्चों के। आधुनिक आवर सारणी में आवर्त क्रमांक बढ़ने पर धात्विक उद्गम उद्गम बढ़ता है। क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्त क्रमांक बढ़ने पर क्या होता है, धात्विक उद्गम बढ़ता है। इसलिए एल्युमिनियम एक तीन कक्षा है, तीन कक्षा है, तीन आवर्त है, बाकी सब दो दो आवर्त बन चुके हैं, तीसरा आवर्त ज्यादा है। एल्युमिनियम 13 सर्वाधिक विद्युत धन वाला तत्व समझता बच्चों, क्या कर रहा हूँ ये समझता है। ओके फिर क्या बच्चों, एनए 13 दिया बच्चों, ऐसा एनए 11 पी फास्फोरस 15 क्लोरीन 17 दिया है, ऐसा ही दिया मैग्नीशियम दिया बच्चों। सबसे बड़े आकार वाला परमाणु बताना है, सबसे बड़े आकार वाला परमाणु कौन सा है बच्चों? बच्चों 11 सोडियम है, तो 8 1 राइट है। पी फास्फोरस 15 2 8 5 17 बच्चों क्लोरीन 2 8 7 फिर बच्चों 14 सिलिकॉन 2 8 4 फिर बच्चों 12 मैग्नीशियम Mg 2 8 2 बच्चों। और क्या पूछा है, सबसे बड़े आकार वाला परमाणु कौन सा होता है? देखो सबसे पहले बच्चों सबके तीन तीन कक्षा है बच्चों, तीन तीन आवर्त है, तीसरे आवर्त में सब होते हैं। अब तीसरे आवर्त में बच्चों पाइथन कक्षा में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, ओके बच्चों पाइथन कक्षा में बच्चों इलेक्ट्रॉन कम है इसका उसका धनात्मक आवेश ज्यादा रहेगा बच्चों। एक नाभि बच्चों पाइथन कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन है, जो कम इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों पाइथन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये धन आयन है ऋण आयन बच्चों, ओके। तो जब कम रहेंगे बच्चों तो इसको अपनी ओर खींचेगा नहीं बच्चों, इसके बीच की दूरी ज्यादा रहेगा। एक ही मान लो बच्चों ये नाभि है, पाइथन कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पाइथन कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये ऋण आयन क्या करेगा बच्चों, ये धन आयन को अपनी ओर खींचेगा बच्चों, खींचेगा तो इसकी दूरी कम हो जाएगी बच्चों। तो पाइथन कक्षा में अगर बच्चों कम इलेक्ट्रॉन है तो केंद्रीय नाभिकीय बल से उसके बीच की दूरी बच्चों अधिक होगा, और दूरी अधिक होगा तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बोलो बोलो, ये मान लो आकार अधिक होगा बच्चों। तो पहला पॉइंट बच्चों पाइथन कक्षा में पाइथन कवच में कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो केंद्रीय प्रमाणिक बल को कम आकर्षित करता है। बच्चों जब आदमी कम इलेक्ट्रॉन होने पर केंद्रीय बल को कम आकर्षित करता है, अगर केंद्रीय बल को कम आकर्षित करता है तो क्या बच्चों उनकी त्रिज्या अधिक होती है, अतः उनकी त्रिज्या अधिक होगी। बच्चों जब त्रिज्या अधिक होगा तो क्या होगा, आकार बड़ा होगा, इसीलिए बच्चों सोडियम का आकार क्या बोला बच्चों, सबसे बड़े आकार वाला, सबसे बड़े आकार वाला तत्व
जो देता हूँ। कल मैं क्या कर रहा हूँ, फिर बड़ी हूँ क्या बोला बच्चों, बोला पोटेशियम लिथियम सोडियम बेरिलियम में सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व बोला, सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला पोटेशियम बच्चों। क्या हो गया दो आठ, क्या हो गया कितना आठ तीन, मैडम जो पोटेशियम दो आठ आठ एक बच्चों, फिर क्या बच्चों लिथियम तीन दो आठ दो एक बच्चों, फिर क्या बच्चों सोडियम इलेवन दो आठ एक, अब बेरिलियम बच्चों चार दो दो। क्या बोला बच्चों यहाँ देखो, इसमें बोला आकार सबसे कम होना चाहिए, देखो बच्चों आयतन कवच में कम इलेक्ट्रॉन होने पर केंद्रीय बल क्या बच्चो कम आकर्षित करता है, ओके आयतन कवच में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने बच्चों क्या होगा केंद्रीय बल को अधिक आकर्षित करेगा क्योंकि त्रिज्या कम हो जाएगा। देखो ये सब के आयतन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आयतन कक्षा में जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये आयतन कक्षा में बच्चों अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश है बच्चों, तो केंद्रीय बल को क्या करेगा बच्चों अपने खींचेगा आकर्षित करेगा बच्चों, ओके तो आयतन कवच में अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण केंद्रीय बल को अपनी ओर आकर्षित करता है, बच्चों अपने उसके त्रिज्या का बच्चों कम हो जाएगा अतः उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। बच्चों त्रिज्या कम होता है छोटा है बच्चों, इसलिए बेरिलियम सबसे छोटे आकार का तत्व है। चलो चलो दो बाकी और है, क्या दिया बच्चों एल्यूमिनियम दिया है, सिलिकॉन सोडियम मैग्नीशियम और सल्फर दिया बच्चों, और पूछा क्या है बच्चों सबसे अधिक भारतीय गोदाम वाला तत्व, सबसे अधिक भारतीय गोदाम वाला तत्व। चलो एल्यूमिनियम थर्टी क्या है दो आठ और तीन दो आठ और चार, सोडियम बच्चों दो आठ और एक, मैग्नीशियम बच्चों दो आठ और दो है ना, दस दो बारह दस ग्यारह दस चौदह आते हैं, और एक बच्चों दो आठ और बोलो बोलो छः सल्फर बच्चों। अब बच्चों सबकी दोनों कक्षाएं बच्चों तीन तीन है, सभी की कक्षाएं बच्चों तीन तीन है, कक्षाएं तीन तीन है, हम लोग सर्वाधिक धातु गोदाम वाला बच्चों, मैंने क्या होता है बच्चों अगर सबकी कक्षाएं समान है बच्चों इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा आएगा और धातु गोदाम ज्यादा रहेगा, पाइथन से इलेक्ट्रॉन जितना कम रहेगा बच्चों धातु एकदम पहला सवाल किया था बच्चों, जब बच्चों सबसे पाइथन कक्षा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन सोडियम का बच्चों, इसका मतलब सबसे अधिक धातु गोदाम वाला बच्चों, ओके जिन तत्वों के परमाणु के आयतन कवच में जितने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं
वेतक को सर्वाधिक विद्युत धन का तत्व होता है। जिन तत्वों के प्रमाण के बाद जितने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व सर्वाधिक विद्युत धन का तत्व होता है। बच्चों इसलिए क्या है बच्चों, सबसे कम ये है ना, तो सोडियम सर्वाधिक विद्युत धन का तत्व है। बच्चों अगर बच्चों सभी कक्षाएं समान है तो जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों उतना अधिक धन आवे धन विद्युत धन होगा बच्चों, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा उतना विद्युत ऋण आवेश होगा बच्चों। ओके लास्ट क्या बोला बच्चों, कार्बन दिया बच्चों लिथियम फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनमें सबसे सर्वाधिक अधात्विक ऊर्जा वाला बच्चों धन जो धात्विक ऊर्जा वाला था बच्चों धात्विक ऊर्जा वाला। आगे बच्चों सर्वाधिक अधात्विक ऊर्जा का तत्व कौन सा, अधात्विक ऊर्जा कार्बन बच्चों दो चार लिथियम दो तीन दो एक बच्चों फ्लोरीन बच्चों दो सात नाइट्रोजन दो पांच ऑक्सीजन दो बच्चों सबकी कक्षाएं समान है बच्चों, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे सर्वाधिक विद्युत धन होगा, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे सर्वाधिक विद्युत ऋण होगा बच्चों अधात्मिक। जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे क्या काम चुके जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वे तत्व अधिक विद्युत ऋण बोलो बच्चों या आधारित मुद्दा बोलो विद्युत ऋण या आधारित मुद्दा का तत्व होता है। जितना कम होगा बच्चों उतना धात्विक ऊर्जा वाला होगा, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अधात्विक ऊर्जा वाला होगा बच्चों। तो देखो सबसे अधिक किस पे, फ्लोरीन में, इसलिए बच्चों फ्लोरीन सर्वाधिक अधात्विक ऊर्जा का तत्व है। बच्चों किसी भी तत्व के परमाणु कक्षाएं सब समान है बच्चों, किसी तत्व के परमाणु जितना कम इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो उतना अधिक धात्विक ऊर्जा में, किसी तत्व के परमाणु जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो उतना धात्विक ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस चैप्टर के काफी फिनिशिंग टच पे आने आगे बच्चों, तो एक वीडियो और होगा बच्चों जब हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके।